हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जॉब सर्च वीजा की, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितने डेज के अंदर ये अप्रूव होता है और किस तरह से आपने जो है वो इसकी वीज़ा फ़ी जो है वो सबमिट करवानी है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। और इसकी एप्लीकेशन को किस तरह से फिल करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी काम करूँगी। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये जॉब सर्च वीज़ा बता दूँ कि ये बेसिकली है क्या। यहाँ पर आप अपनी जॉब को सर्च करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताऊँगी। यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, आपको यूरोपास सीवी बनानी नहीं आती, कोई मसला नहीं है। अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं तो भी कोई मसला नहीं है, अगर आप पढ़े हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आप सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ईजी है और विद इन 3 to 4 मिनट्स के अंदर आपको ये अप्लीकेशन फिल हो जाएगी और रिस्पॉन्स आपको विद इन 2 डेज़ के अंदर आ जाएगा। मैंने अप्लाई किया था तो मुझे विद इन 10 मिनट्स के अंदर जो है वो मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई थी। डिपेंड करता है आपके स्किल पर, और अगर आपके पास स्किल नहीं है तो वो थोड़ा टाइम ले लेगा 2 दिन का, और अगर आपका स्किल है तो वो विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपको अप्रूवल आ जाएगा। अब आपने इस वीज़ा को प्रोसीड कैसे करना है और किस तरह से फॉर्म फिल करना है वो मैं आपको बताऊँगी, और इसके फॉर्म फिल करने का तरीका भी बताऊँगी। ये आपको जो वीज़ा मिलेगा वो इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 120 डेज़ की होगी। इसके अलावा ये वहाँ पर आप जाने के बाद जो है वो आपका 60 डेज़ के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसकी बेस पर आप 60 डेज़ भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, आपके पास वैलिडेशन होती है। अब बेसिकली ये वीज़ा है क्या, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे अपने जॉब से रिलेटेड, ये आपको अप्रूवल देंगे, और इसकी बेस पर आप पुर्तगाल जाने के बाद आप अपने फील्ड से रिलेटेड जो है वो जॉब को जो है वो सर्च करेंगे। जॉब सर्च करने के बाद आप वहाँ पर अपने लिए वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करेंगे और आपको वहाँ की रेजिडेंस जो है वो मिल। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, इसके लिए आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए जो कि आपके लिए मसला करेगा। तो आपने सबसे पहले जस्ट आपको जो है वो पासपोर्ट चाहिए होगा, और किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं अभी आपको जो है वो ये फॉर्म फिल करके दिखाती हूँ। तो आपको पोर्टल नज़र आ रहा होगा, आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने जो है वो अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, और अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म को हमने करना है फिल, और इसके बाद मैं आपको फॉर्म फिल करके भी बताती हूँ, और साथ में आपको मैं ये भी बता दूँ कि जो इस वीज़ा की ये फ़ी होगी वो 28,000 पाकिस्तानी है, और इंडियन की जो वीज़ा फ़ी होगी वो इससे कम होगी, वो अपने करेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर फॉर्म में फ़र्स्ट नेम लिखना है, और इसके बाद आपने लास्ट नेम लिखना है अपना, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है, और ये सब चीज़ें आपने अपने पासपोर्ट से देखकर यहाँ पर एज इट इज़ ही लिखनी है, जिस तरह की पासपोर्ट पर लिखी हुई है। इसके बाद आपने जो है वो पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद अब यहाँ पर आपने जो है वो एमिशन लिखना है। एमिशन का मतलब ये होता है कि आपको ये पासपोर्ट कब इशू किया गया, तो वो डेट आपने यहाँ पर लिखनी है जब भी आपको ये पासपोर्ट इशू हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी वैलिडिटी जो है वो लिखनी है, जो भी आपके पासपोर्ट पर है ये कब एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, वो डेट आपने यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप जिस भी कंट्री से हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, जहाँ से भी हैं आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस यानी कि आप अभी जहाँ पर रह रहे हैं वो आपने कंट्री सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है, और उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जिस पर ये आपको अप्रूवल भेजेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर एजुकेशन का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर अगर एजुकेशन आपने यूनिवर्सिटी लेवल के लिए है तो भी, और अगर आप 4 से 5वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको फ्रीडम दी गई है। इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर आपके पास किस चीज़ का स्किल है वो सारी फील्ड्स यहाँ पर मेंशन है,
आपने अपनी स्किल से रिलेटेड यहाँ पे फील्ड को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको किसी भी फील्ड में स्किल नहीं है तो आप नन कर देंगे। अदरवाइज आपके पास ये सारी कैटेगरीज है, कुक की, टीचर की, एनालिस्ट की, इसके अलावा प्रोग्रामिंग की, इसके अलावा यहाँ पे सारी फील्ड जो है वो अवेलेबल है। और यहाँ पर आप 5 फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का कोई भी स्किल है। तो आई होप जो तो पढ़े लिखे हैं उनके पास तो होगा, लेकिन अगर आपके पास कुकिंग का है या फिर आपके पास वेटरेस का है या वेटर का है या नर्सिस का है या जो भी है, यहाँ पे आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर मैं जो हूँ वो 2 कैटेगरीज को सेलेक्ट कर रही हूँ, और चले मैं 3 को कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है वो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अपने प्रेफरेंस के मुताबिक जो है वो जॉब सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आप जो है वो 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी। तो आप यहाँ पर अपने फील्ड से रिलेटेड को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपकी फील्ड है और जिसमें भी आपको तजर्बा है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर जो है वो वही वाली सिलेक्ट करूँगी जो मैंने ऊपर जो है वो सिलेक्ट की है, क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग थी, तो यहाँ पे मैं वो भी सेलेक्ट करूँगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप वेटरेस की, कुकर की और इस तरह की कोई भी फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिसके बेस पर आपको जो है वो लेटर वैलिडेशन का मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने जो है वो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि फिर मैं इस तरह की वीडियोस पर भी वर्क करूं और आपके लिए वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊं। फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कितने की इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। 1 साल का है, 2 से 3 साल का है, 4 से 5 का है, जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, और अगर आपके पास 1 साल का भी है तो भी आप कर लें, और अगर नहीं है तो आप 0 से 1 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप करेंगे स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर आपकी जो कॉन्टेक्ट लैंग्वेज होगी उसको आपने इंग्लिश ही सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपने इस टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ लेना है, और इसके बाद आपने इन बॉक्सेस को चेक कर देना है, ठीक है। और चेक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना होगा, तो यहाँ पर आपने जो है वो चेक कर लेना है, यानी कि टिक कर लेना है इसको। और टिक करने के बाद और इसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है, और आप 1 सेकंड के लिए वेट करेंगे, और इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और आपको जो है वो मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप अपने ईमेल को ओपन करेंगे, वो भी मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह की आपको पहले मेल आएगी और उसके बाद कन्फर्मेशन आएगा और उसके अंदर लेटर किस तरह का होगा। ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, और इस तरह की मेल आपको पहले आएगी। और मैंने आज इसको अप्लाई किया था सुबह के टाइम, और उसके बाद जो है वो मुझे विद इन 10 मिनट्स के अंदर जो है वो आंसर आ चुका था। और किस तरह का फॉर्म होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है कि 2 डेज़ के अंदर आपको आंसर आ जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर इन्होंने मुझे कहा है कि आपके एरिया की जो भी कॉन्सुलेट या एम्बेसी है आप वहाँ पर जाकर अपॉइंटमेंट लें और अपने फाइल जो है वो सबमिट करवाएं। अब आपने करना क्या है, आपको मैं लेटर दिखा दूं और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगी कि आपने जो है वो यहाँ पर किस तरह से अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट भी आपने जो है वो किस तरह से बुक करवानी है। तो ये मेरा लेटर आ गया है, ये सामने आपको कुछ इस तरह से शो होगा,
और इसका डेटा वगैरह होगा, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर QR कोड है, इसको आप स्कैन करेंगे तो आपका जो भी पासपोर्ट नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका बायोडाटा जो भी है वो आएगा। अब मैं आपको बताऊँ आपने करना क्या है। लेटर मिलने के बाद आपने ऑनलाइन इसकी अपॉइंटमेंट को बुक करवाना है, और बुकिंग करने के बाद आपने जो है वो 28,000 जो कि PKR रुपीज़ में होगा वो आपने लेकर एम्बेसी जाना है। एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स कौन से, एम्बेसी में आपने अपने साथ जो है वो पासपोर्ट लेके जाना है, और उसके अलावा ये जो आपको इनविटेशन लेटर मिला है ये आप लेकर जाएंगे, और इसकी बेस पर आपको वीज़ा मिलेगा। और इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी भी एज के आप यहाँ पर। इस वीज़ा का बेसिक मकसद ये है कि पुर्तगाल ने वीज़ास जो है वो ओपन किए हैं, जॉब्स ओपन किए हैं यहाँ पर, जो है वो जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आएँ और अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब को जो है वो फाइंड आउट करें, और जॉब की बेस पर यहाँ पे वर्क परमिट जो है और रेजिडेंस जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर बहुत से लेबर्स की ज़रूरत है, इसके अलावा वर्कर की ज़रूरत है, तो इसलिए ये उन लोगों ने एक नया वीज़ा जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसको मस्ट अप्लाई करें, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस वीज़ा को अप्लाई करें, पुर्तगाल जाएं, अपनी जॉब ढूंढें। अगर आप जॉब नहीं, किसी जाने वाले को अप्रोच करें और वो आपके लिए फाइंड आउट करके रखें जॉब, आप वहाँ पर जाएं और जॉब को अवेल करें और अपना जो वर्क परमिट है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह की भी क्यूरी हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई फीडबैक है तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ के ऊपर भी वर्क कर सकूँ।